नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा कोटा शहर का। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कोटा शहर का वो मुद्दा जो कि ग्रामीण क्षेत्र से कोटा में पढ़ने आने वाली छात्राओं के संबंध में है। इन छात्राओं को रहने की सुविधा मुहैया करवाने के लिए जेडीबी कॉलेज के दो हॉस्टल की सुविधा लंबे समय से है, लेकिन कोरोना काल में इन हॉस्टल्स को बंद कर दिया गया। इसके बाद से ये लगातार बंद हैं। इनके बंद होने से ग्रामीण क्षेत्र से कोटा में आकर अध्ययन करने वाली छात्राओं को या तो महंगे कमरा किराए पर लेना पड़ रहा है या फिर महंगे हॉस्टल्स में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। कोरोना काल में जब इसको बंद किया गया तब इसकी जिम्मेदारी महिला कॉमर्स कॉलेज के पास थी। इस कॉलेज की नई बिल्डिंग बन गई, कॉलेज नई बिल्डिंग में स्थानांतरित हो गया, लेकिन हॉस्टल की चाबी यहाँ मौजूद दो कॉलेज आर्ट्स एवं साइंस के प्रिंसिपल को नहीं दी गई। हॉस्टल का नाम कॉमर्स कॉलेज की जगह दो कॉलेज के नाम से स्थानांतरित नहीं किया गया, जिसके कारण यह हॉस्टल आज भी बंद है और छात्राओं को इसका खुलने का इंतजार है। आखिर हॉस्टल क्यों नहीं चालू हो रहा है, कहाँ पर रुका हुआ है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कब तक ये शुरू हो पाएगा, इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे रिपोर्टर राजेंद्र यादव ने तथ्यों को खंगाला, पूरी जानकारी की तो मामला निकल करके आया वो बहुत ही मामूली है, जिसकी वजह से यह हॉस्टल बंद है। अगर इस समस्या को दूर कर दिया जाए तो यह हॉस्टल चालू हो सकते हैं। किसी जमाने में पूरे संभाग के अंदर गर्ल्स कॉलेज के नाम पर जेडीबी कॉलेज का दबदबा हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने कॉलेज का विभाजन इस तरीके से किया कि आज भी कॉलेज की कई संपत्तियां कागजी फेर में फंसी हुई है और जिसका खामियाजा कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को उठाना पड़ रहा है। इसी का जीता जागता उदाहरण है जेडीबी कॉलेज में संचालित हॉस्टल। जेडीबी कन्या महाविद्यालय का गर्ल्स हॉस्टल अभी तक कोरोना के साए में है। यह हॉस्टल कोरोना के समय बंद हुआ था जो आज तक चालू नहीं हो सका। हॉस्टल को चालू करवाने के लिए पिछले साल छात्राओं ने धरने प्रदर्शन भी किए, लेकिन छात्राओं की आवाज़ अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंची। इसके चलते हॉस्टल पर आज तक ताला लटका हुआ है। जेडीबी कॉलेज के प्रोफेसर प्रेरणा शर्मा का कहना है कि आयुक्तालय की ओर से जारी मेरिट के आधार पर हॉस्टल में जरूरतमंद छात्राओं को दाखिला मिलता था, लेकिन हॉस्टल चालू नहीं होने से दाखिला नहीं मिल पा रहा। हॉस्टल को चालू करवाने के लिए छात्राएं रोजाना कॉलेज के चक्कर लगा रही है। कॉलेज परिसर में दो हॉस्टल संचालित किए जाते थे, एक तो घंटाघर चौराहे के पास जो हेरिटेज बिल्डिंग है, दूसरा अंदर के तरफ जो नया बनवाया गया था जिसके अंदर लगभग 100 छात्राओं के रहने की व्यवस्था है। लेकिन वर्ष 2016 में सरकार ने जेडीबी कॉलेज को तीन भागों में विभाजित कर दिया, एक कला, दूसरा साइंस और तीसरा कॉमर्स। हॉस्टल वाला हिस्सा कॉमर्स कॉलेज के हिस्से में आया और राज्य सरकार ने इसकी रजिस्ट्री कॉमर्स कॉलेज के नाम से कर दी, लेकिन जगह इतनी कम थी कि कॉमर्स कॉलेज के लिए ये जगह कम पड़ने लगी। बाद में राज्य सरकार ने कॉमर्स कॉलेज को नए कोटा क्षेत्र में दूसरी जगह दे दी, जहां पर नई बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया। अब कॉमर्स कॉलेज वहां पर शिफ्ट हो गया है, लेकिन ये जगह आज भी कॉमर्स कॉलेज के नाम से रजिस्टर्ड होने से इसका अधिकार दूसरे कॉलेज को नहीं मिल पाया और कोरोना के बाद से इन हॉस्टलों पर आज भी ताले लटके हुए हैं। मैम, जेडीबी कॉलेज संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है, यहाँ पर हॉस्टल भी था, किसी समय चला करता था लड़कियों के लिए, काफ़ी समय से बंद है, इसको लेकर किस तरह के आपकी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं? हॉस्टल यहाँ पे कोरोना काल के बाद से बंद है और अभी जब से मैंने 8 अक्टूबर के बाद यहाँ पे ज्वाइन किया है 2023 में, उसके बाद से मेरा प्रयास रहा है कि हॉस्टल शुरू हो जाए और इसके लिए हमने आयुक्तालय प्रस्ताव भेजा हुआ है और लेटर दिया हुआ है, बट अभी तक उसका हमें प्राप्त नहीं हुआ है जवाब। तो जैसे ही जवाब मिलेगा हम हॉस्टल शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आपने वहाँ के अभी हालात भी देखे, निरीक्षण भी किया था, किस तरह की स्थितियाँ हैं वहाँ पे? हाँ, अभी उसमें काफ़ी टाइम से 3-1 साल हो गए, 3-4 साल।
साल से बन रहा है, इसलिए उसमें मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, लाइट है, बिजली है, और भी टूट फूट जहाँ भी हुई हुई है वो सारा ही एक तरह से रिपेयर होगा, पीडब्ल्यूडी को के लिए भेजा जाएगा। अगर ये चालू चालू होता है तो कितना फ़ायदा हो जाएगा गर्ल्स को? गर्ल्स को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि गांव से आती हैं, कई बार रेगुलर नहीं आ पाती हैं, उनका आने जाने की काफ़ी डेली का 50 से 100 रुपये खर्च हो जाता है, और काफ़ी इकोनॉमिकली भी हैं, काफ़ी फैमिलीज से हैं अच्छे हैं, तो उस हिसाब से यदि वो यहाँ रहेंगी तो एक तरह से रेजिडेंशियल सुविधा के साथ रहेंगी तो पढ़ाई पर उतना ही फोकस कर पाएंगी, नियमित रूप से कक्षाओं में आ पाएंगी, तो बच्चियों के लिए बहुत फ़ायदा है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आ चुकी हैं, उन एप्लीकेशंस को स्कैन करते हुए मैंने आयुक्तालय भेजा हुआ है पत्र, और उसका जवाब का हमें इंतज़ार है, शायद जल्दी ही वहाँ से जवाब दिया जाएगा। JDB साइंस कॉलेज के प्राचार्य अजय विक्रम सिंह चंदेल ने बताया कि कोरोना काल से पहले साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स तीनों कॉलेज की छात्राओं को 100 सीटों पर प्रवेश दिया जाता था, यहां बड़ी संख्या में आवेदन आते थे, मेरिट के आधार पर बाहर की जरूरतमंद छात्राओं को प्रवेश दिया जाता था, लेकिन कोरोना के समय गर्ल्स हॉस्टल को बंद कर दिया था, हॉस्टल को चालू करवाने के लिए आयुक्तालय को पत्र लिखा, राज्य सरकार को भी अवगत करवाया है, कोई रिमाइंडर भी भेज दिया गया, लेकिन मामला आयुक्तालय के पास होने से अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाया है, जबकि आर्ट्स कॉलेज की प्रिंसिपल वो उनके द्वारा इस हॉस्टल को चलाने को लेकर सहमति बन गई है, कोई एक कॉलेज इसको चलाए और दूसरा कॉलेज उनका सहयोग करेगा, ताकि दोनों कॉलेज की छात्राएँ यहाँ पर रह सके, कोरोना के समय से ही हॉस्टल पर ताले लटके हुए हैं, जो पुराना अंटागर वाला हॉस्टल है वो काफ़ी अच्छा है, बड़े कमरे हैं, नया हॉस्टल है, उसमें कुछ मरम्मत व रिपेयरिंग की ज़रूरत है, अगर सरकार उन्हें अभी परमिशन दे दे तो कुछ समय में इसको मरम्मत करवा कर ठीक करके छात्राओं को प्रवेश के लिए चालू कर सकते हैं, जिसका लाभ छात्राओं को मिलेगा, क्योंकि दूर दराज व ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में छात्राएँ कॉलेज में आती है। प्राचार्य अजय विक्रम सिंह चंदेल का कहना है कि सरकार की ओर से बजट घोषणा में प्रदेश के 20 हॉस्टल्स के लिए 45 करोड़ का बजट पास हुआ है, इस हॉस्टल का भी उसमें नाम है, ऐसे में बजट आता है तो इसका यहाँ पर उपयोग होगा। जो है इसके परिसर में एक हॉस्टल है, काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है, क्या स्थिति है, कितना पुराना हॉस्टल है, कितने बच्चों के रहने की कैपेसिटी है इसमें? ये जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय, जब इसका विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले ये हॉस्टल चल रहा था, और उसके उपरांत ये 2016 में जब विभाजन हुआ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में, तो फिर उसके बाद कॉमर्स कॉलेज को ये हिस्सा दे दिया गया पूरा, और कोरोना पीरियड में ये हॉस्टल बंद हुआ, कोरोना पीरियड के बाद ये जो हॉस्टल है इसमें फिर कॉमर्स कॉलेज को दे दिया गया कि अब आप चलाओ, तो उन मतलब ऐसा छात्रावास नहीं, उनको अपनी कक्षाओं वगैरह के हिसाब से दिया गया, फिर ये हॉस्टल तब से ही बंद पड़ा है, फिर कॉमर्स कॉलेज पिछले साल यहाँ से चला गया, और उन्होंने पत्र भी लिखा है आयुक्तालय कि ये जो मूल महाविद्यालय को ही दे दिया जाए ये हॉस्टल का परिसर दोबारा, क्योंकि हमारे से 7 किलोमीटर दूर है, हम यहाँ पे हॉस्टल संचालित नहीं कर सकते, फिर इसके लिए पत्राचार किया गया आयुक्तालय, और आयुक्तालय से बात भी की गई, तो आयुक्तालय ने कहा कि हम इसको आप दोनों महाविद्यालय जो है कला महाविद्यालय और राजकीय जानकी देवी बजाज महाविद्यालय आप इसको संयुक्त रूप से चला लें, परंतु जो मेन उत्तरदायित्व रहेगा या जिसके नाम ही रहेगा वो जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय रहेगा, और इसके बारे में हमने आर्ट्स कॉलेज से भी बात की, गर्ल्स आर्ट्स से, तो उन्होंने भी एक सहमति व्यक्त की कि हाँ भाई अगर आयुक्तालय चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, हम दोनों की लड़कियाँ रह लेंगी और संचालित जो है ऑफिशियल जो काम है सारा वो जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय यानी साइंस कॉलेज कर लेगा। ये फाइल वहाँ पे पेंडिंग है, अभी आयुक्तालय में से आयुक्त साहब के साथ VC थी, उसमें भी मैंने ये मुद्दे को उठाया था कि सर ये लड़कियाँ बार बार आ रही हैं ज्ञापन लेके और बहुत रिक्वेस्ट कर रही हैं, गरीब छात्राएँ हैं और वो चाहती हैं कि हमें हॉस्टल मिले, वो कहती हैं कि आप हमारे को कक्षाओं में आने के लिए कह रहे हैं कि रेगुलर आए, हम बहुत दूर भी रहती हैं, गाँव में भी रहती, तो हमें यहाँ छात्रावास मिल जाए तो अच्छा रहेगा, यहाँ पर लगभग 90 छात्राएँ रह सकती हैं, डबल सीटेड अगर रखें उनको 45 से 50 कमरे तो उसमें यहाँ पे 90 छात्राएँ रह सकती हैं, और पहले रही हैं और बहुत अच्छी तरह हॉस्टल चलता था।
अगर इसको चलाया जाए तो ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त भी हो रही है, अगर इसको नहीं संभालेंगे तो सार संभाल हो जाएगी। कुछ समय पहले यहाँ से आयुक्तालय से बजट के लिए प्रावधान आया था कि हर 50 महाविद्यालय, 50 उन्होंने चिन्हित किए थे महाविद्यालय जिनमें गर्ल्स हॉस्टल है, उनके लिए कुछ करोड़ का बजट था, तो आप हमें तखमीना बजा के भिजवाइए PWD, वो भी हमने भेज दिया तखमीना भी, फिर उसको कुछ कार्रवाई नहीं हुई, फिर सरकार बदल गई। अभी पुनः बात चली थी और उन्होंने बोला था कि ऐसा आप दोबारा भेजिए। विधानसभा का सत्र हुआ, उसमें 45 करोड़ रुपये सेंक्शन हुए 20 ऐसे हॉस्टल्स के लिए, बट अभी भी वो पेंडिंग में, शायद सरकार उस पर विचार कर रही है। परंतु ये बहुत ही ऐसा मुद्दा है जो बच्चों छात्राओं से डायरेक्टली रिलेटेड है और छात्राओं का अहित भी हो रहा है और बच्चियों को काफ़ी दिक्कत भी आ रही है, तो इसको सुधार करना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए वहाँ से सेंक्शन भी आ जाती है हमारे नाम, तो कम से कम 2-3 महीने तो इसको ठीक कराने में लगेंगे। कितना पुराना हॉस्टल है अभी, क्या स्थिति है इसकी? हॉस्टल ये एक्चुअली 2 हॉस्टल हैं यहाँ पर, एक तो पुराना है जो अंटागर में चलता था, उसके बाद एक ये नया हॉस्टल बना, ये ज़्यादा पुराना नहीं, बिल्डिंग एकदम अच्छी कंडीशन में है, बस इसके अंदर टॉयलेट वगैरह जो कमरों की सार संभाल करवानी है, टॉयलेट वगैरह की हालत ठीक नहीं है, पेंट वेंट का काम होना है, उसके बाद ही बढ़िया तरीके से संचालित किया जा सकता है। कितना फ़ायदा हो जाएगा जो लड़कियाँ आ रही दूर दराज से? लड़कियों को तो बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि बाहर उनको बहुत महंगा मिलता है, यहाँ पे तो उसके बेसिस पे चलता है, ये मैच का खर्चा है और कमरे का किराया नॉमिनल है, बिजली का किराया लिया जाता है नॉमिनल, वो भी एक मीटर लगा हुआ उससे चलता है, तो बच्चों को काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ जाता है। बाहर अगर उनको अगर 7-8 हज़ार रुपये लग रहे हैं तो 3-1 हज़ार में उनका काम पूरा हो जाता है। JDB आर्ट्स कॉलेज की प्राचार्य सीमा चौहान का कहना है कि हम हॉस्टल को चालू करना चाहते हैं, छात्राओं की डिमांड भी आ रही है, लेकिन इसकी चाबी JDB कॉमर्स कॉलेज के पास है, JDB कॉमर्स कॉलेज के हॉस्टल को हमें हैंडओवर करने के लिए सहमति दे चुका है, आयुक्तालय को 2-3 बार पत्र भेज चुके हैं, स्मरण पत्र भी भेज चुके हैं, लेकिन वहां से कोई आदेश नहीं मिल रहा। इस हॉस्टल में साइंस व आर्ट्स दोनों कॉलेज की छात्राओं को प्रवेश देने की सहमति बन चुकी है, इस हॉस्टल का हम रखरखाव कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर यह हॉस्टल चालू होता है तो बड़ी संख्या में दोनों कॉलेज की छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। कॉलेज में काफ़ी लंबे समय से आपने यहाँ की स्थितियाँ देखी है, कॉलेज में दो जो पीछे हॉस्टल चला करता था, एक नई बिल्डिंग है, एक घंटाघर वाला है, कितने पुराने ये हॉस्टल्स हैं और अभी किस दौर से गुजर रहे हैं, कितनी आवश्यकता है इनकी चालू करने की? बहुत आवश्यकता है हॉस्टल शुरू करने की और छात्राओं की मांग भी लगातार आ रही है, और उसके साथ साथ जो बिल्डिंग मेंटेनेंस भी अगर कोई रहता रहता है तो बिल्डिंग भी इतना बड़ा राज्य सरकार का उसमें बजट लगा हुआ है तो वो भी मेंटेन होनी चाहिए। तो अभी हम लोग प्रयासरत हैं, हमारे प्राचार्य मैडम की तरफ से भी आयुक्तालय एक लेटर भेजा जा चुका है और बाइफर्केशन के बाद कॉमर्स कॉलेज के पास वो वाला हॉस्टल वाली जो बिल्डिंग है वो कॉमर्स कॉलेज के पास चली गई थी, गर्ल्स कॉमर्स कॉलेज के पास। अभी ये स्थिति है कि कॉमर्स कॉलेज यहाँ से शिफ्ट हो गया है, तो अभी कौन उसको रन करेगा, हमारी कोशिश है कि JDB साइंस और JDB आर्ट्स दोनों मिलकर उसको चलाएं अच्छी तरह से और उसका जो मेंटेनेंस है उसको भी करें, और तो छात्राओं के हित में है। बहुत पुराना हॉस्टल है, अंटा घर जो है एक हेरिटेज बिल्डिंग है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, जब से यह कॉलेज बना है JDB गर्ल्स कॉलेज तब से वो हॉस्टल हुआ करता था और उसमें यहाँ की प्राचार्य भी रहा करती थी, तो पुराने लोगों से मुझे ये सारी जानकारियाँ हैं। और लगभग 2007-08 में नया हॉस्टल बना जिसका ओम बिरला जी के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ और बहुत अच्छे से वो यहाँ पर व्यवस्था बड़ी अच्छी हॉस्टल की थी, वार्डन हाउस भी था, वार्डन का एक बड़ा अच्छी सी एकोमोडेशन भी बनी हुई थी, मैस भी अच्छे से चलती थी। हम कोशिश में हैं, कोरोना के बाद जो स्थितियाँ आई, कई बार बच्चे आए तो कम एप्लीकेशंस आई 20-25, तो उसमें क्योंकि SFS में चलता है हॉस्टल तो इतने कम पैसे में वो चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो अभी हमारे पास दोनों कॉलेज के मिला के बच्चों की जितनी आएंगी एप्लीकेशंस, जितने बच्चे एडमिशन उसमें लेना चाहेंगे उसके हिसाब से हम लोग उसको शुरू करेंगे। कुछ पैसा दोनों कॉलेज मिलकर लगाना ही पड़ेगा क्योंकि इतने टाइम से बंद है। कितने बच्चों की कैपेसिटी है रहने की इसके दोनों हॉस्टलों के अंदर? दोनों जगह मिला के लगभग 95-98 बच्चे रह लेते थे पहले,
और जब ये बंद हुआ तब 55-56 बच्चे रह रहे थे, लेकिन अभी इसमें कैपेसिटी है उसमें लगभग 100 की। लेकिन कोरोना काल के बाद से खुला ही नहीं वापस हॉस्टल? जी, कोरोना के बाद नहीं खुला, क्योंकि बच्चों की भी बच्चे भी समझ नहीं पाए कि कॉलेज एक पूरा बैच जो था उन्हें लगा ऑनलाइन ही चल रहा है सब कुछ, तो शुरू में बच्चे भी थोड़ा सा नहीं आए कॉलेज में। अब लेकिन वो वापस सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तो कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए छात्रा। कॉलेज शिक्षा के सहायक निदेशक डॉक्टर गीताराम शर्मा का कहना है कि वर्ष 2016 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा जेडीबी कॉलेज को 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें से हॉस्टल वाला ब्लॉक कॉमर्स कॉलेज के हिस्से में आया था, लेकिन जगह कम होने के कारण कॉमर्स कॉलेज यहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, लेकिन सरकार के पास कागजों में ये क्षेत्र आज भी कॉमर्स कॉलेज के नाम आवंटित है। रजिस्ट्री कॉमर्स कॉलेज के नाम होने के कारण ये दूसरे कॉलेज को नहीं दिया जा सकता, हालांकि कॉमर्स कॉलेज में ये जेडीबी आर्ट्स और साइंस कॉलेज को देने पर सहमति बना दी है। इसको लेकर उनके द्वारा आयुक्तालय में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया है, उच्च अधिकारी अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जैसे ऊपर से आदेश मिलते हैं इस हॉस्टल को जेडीबी साइंस या आर्ट्स कॉलेज के एक के नाम स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसमें दोनों कॉलेज की छात्राएं रह सकती है और अध्ययन कर सकती है। दरअसल जेडीबी कॉलेज में जो हॉस्टल है उसमें कुछ तकनीकी अवरोध है। तकनीकी अवरोध ये है कि जो हॉस्टल की बिल्डिंग है, जब वो ये तीनों एक महाविद्यालय तीन महाविद्यालयों में विभाजित हुआ था 2016 में, तो जो हॉस्टल वाला बिल्डिंग वाला क्षेत्र है वह क्षेत्र कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज को आवंटित है, और कोरोना काल में वो गवर्नमेंट उस समय चलता था, कोरोना काल में हॉस्टल बंद हो गया। अभी तकनीकी समस्या ये है कि वो गर्ल्स कॉलेज कॉमर्स का वो ट्रांसफ़र हो गया, बिल्डिंग शिफ्ट हो गया वहाँ नई बिल्डिंग में, लेकिन बिल्डिंग की रजिस्ट्री उन्हीं के नाम है, अभी भी बिल्डिंग की रजिस्ट्री उन्हीं के नाम है। अब पहले तो वो बिल्डिंग की रजिस्ट्री कैंसिल हो, जो आयुक्तालय के स्तर पर कैंसिल होगी, जब कैंसिल होगी तब वो बिल्डिंग सुपुर्द होगी या तो गर्ल्स साइंस को या गर्ल्स आर्ट्स को, सुपुर्द हो जाएगी ना, इसके बाद वो आयुक्तालय उसके बाद वो हॉस्टल जो है चल पाएगा, उसकी प्रोसेस में है। दोनों प्राचार्य बहुत दृढ़ता के साथ उस हॉस्टल चलाना चाहते हैं, मेरे पास दोनों के पत्र आ गए हैं और दोनों कह रहे हैं कि हम साथ दोनों चला लेंगे। ये कोई इशू नहीं कि वो हॉस्टल की बिल्डिंग किसको मिले, हॉस्टल चले चाहे जो चलाए बच्ची हैं दोनों की आवे, बच्ची अगर आर्ट्स वाला चलाता है तो साइंस की बच्ची भी आए और साइंस वाले चलाते तो आर्ट्स की आए। इसका प्रोसेस आयुक्तालय स्तर पर मैं भेज दिया है, कमिश्नर साहब से बात भी की है, अब उसका चल रहा है प्रोसेस। तो ये था आज का मुद्दा। जेडीबी कॉलेज परिसर में बने हॉस्टल सभी सुविधाओं से तैयार हैं, इंतजार है केवल छात्राओं का। इनके ताले खुले तो कोटा शहर से आसपास के इलाकों से कोटा में अध्ययन करने के लिए आने वाली छात्राओं को उसमें प्रवेश मिले और उन्हें आर्थिक नुकसान से भी फायदा हो, लेकिन विभागों के बीच में कागजी कार्रवाई में ये हॉस्टल इस तरीके से फंसे हुए हैं कि अभी तक कोई इस पर फैसला नहीं कर सका है। कॉलेज स्तर पर अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, या अगर कॉलेज प्रशासन चाहे तो इस मामले को शिक्षा मंत्री के सामने रखे ताकि इसका समाधान तुरंत हो। हॉस्टल चालू होते हैं तो करीब 100 छात्राओं को उसमें प्रवेश मिलेगा, उनके कोटा में पढ़ने की उम्मीदों को पंख लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।